यहाँ पर ये आप देख सकते हैं कि उस शेलिंग से जब यहाँ पर इर्द गिर्द शेलिंग हुई होगी तो फिर ये लोहे का जो मजबूत डब्बा था उसके कैसे परखचे जो है वो उड़े। ये आप देख सकते हैं ये कितने बड़े बड़े सुराख हैं, ये किस कदर यहाँ पर जो है वो बमबारी हुई होगी। और किस अंदर चलते हैं ज़रा और अंदर से आपको कुछ इसके व्यूज दिखाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज की वीडियो में मैं मौजूद हूँ पंजाब के एक तारीखी कस्बा में, और ये तारीखी कस्बा कौन सा है? मेरे साथ लगे बोर्ड पे आप देख सकते हैं कि ये लिखा हुआ है चविंडा, इंग्लिश फॉन्ट में, और उर्दू फॉन्ट में भी ऊपर लिखा हुआ है चविंडा। और ये बोर्ड जो है ये भी बहुत पुराना है, अंग्रेज़ दौर हुकूमत में ये रेलवे स्टेशन बनाया गया जिसकी मैं आज आपको सैर करवाने जा रहा हूँ। बहुत से रेलवे स्टेशन जो हिस्टोरिकल रेलवे स्टेशन हैं जो कि अंग्रेज़ दौर हुकूमत में बनाए गए, लेकिन इस रेलवे स्टेशन की एक ख़ास अहमियत है। यानी 1965 की जंग इसी रेलवे स्टेशन के ऊपर जो है वो लड़ी गई थी। हम आपको रेलवे स्टेशन भी दिखाएंगे और ये इसके साथ जो जहाँ पर जंग हुई, जहाँ पर टैंकों की जंग हुई, वो जगह भी दिखाएंगे। तो आगे बढ़ते हैं, वीडियो में मेरे साथ रहिएगा, स्किप ना कीजिएगा, इसका एक एक सीन जो है वो देखने वाला है। तो मैं आपको दिखाता हूँ चविंडा के वो सारी चीज़ें जहाँ पे जंग हुई और स्टेशन जो है वो आज के इस हाल में है। और ये जो आप सामने देख रहे हैं ये वो रेलवे के पुराने क्वार्टर्स हैं जहाँ पर उस वक्त रेलवे के जो मुलाजमीन थे उनकी ये रिहाइश गाहें थीं, जो अफसरान थे यहाँ पर रहते थे। और ये जो आबादी आप देख रहे हैं दोनों अतराफ में, ये जो आबादी आप देख रहे हैं, ये जितनी भी ज़मीनें आप देख रहे हैं, अभी तो ये आप सामने देख रहे हैं ये चविंडा की आबादी है। तो चविंडा शहर चूँकि बहुत एक खूबसूरत कस्बा है, शोहदा की सरजमीन भी इसको कहते हैं, लेकिन यही वो जगह है जहाँ पर 1965 की जंग लड़ी गई। मैं अपने तसव्वुर में, अपने तखय्युल में आज भी देख रहा हूँ यहाँ पर, जब मैं पहुँचा हूँ इस जगह पर तो मुझे यूँ लग रहा है जैसे वो टैंकों की गन गरज, वो तोपों की आवाज़ें मुझे अभी मेरे तखय्युल में मुझे सुनाई दे रही हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब अमन है और यहाँ पर ये बस्ती जो है वो अमन की बस्ती है। यहाँ पर शोहदा की कई कब्रें भी मौजूद हैं। इन्हीं बेंचों पे बैठकर लोग 1947 पहले अपने आने वाली ट्रेन का इंतज़ार करते थे और कुछ मुसाफिर जम्मू जाने वाली ट्रेन के इंतज़ार में इस बेंच पर बैठते होंगे और कुछ मुसाफिर अमृतसर और गुरदासपुर जाने वाली ट्रेनों पर जाने के लिए इस बेंच पर बैठकर इंतज़ार करते होंगे। अब वो मुसाफिर तो नहीं रहे लेकिन ये बेंच आज भी मौजूद हैं, लेकिन आज यहाँ पर कराची लाहौर जाने वाले मुसाफिर ज़रूर बैठते हैं। अगर यहाँ पर नहीं रहे तो जम्मू और अमृतसर और भारत के शहरों में जाने वाले मुसाफिर नहीं रहे। ये वो प्लेटफार्म है जो कि उसी वक़्त का है और बिल्कुल अपनी असली हालत में मौजूद है। ये छत भी उसी दौर की छत है, ये आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और ये इस तारीखी रेलवे स्टेशन की जो मेन इमारत है ये आप देख सकते हैं कि एक डब्बा भी यहाँ पर पड़ा हुआ है, वो भी हम आपको दिखाएंगे। तो ये सामने जो आप देख सकते हैं कि मेन यहाँ पर लिखा हुआ है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलल्लाह, और नीचे लिखा हुआ है चविंडा, इंग्लिश फॉन्ट में भी उर्दू फॉन्ट में भी। ये तारीखी रेलवे स्टेशन की इमारत, अंदर चलते हैं ज़रा और अंदर से आपको कुछ इसके व्यू दिखाते हैं। तारीखी रेलवे स्टेशन ये देखें जी, ये बोर्ड, ये ट्रेनों की जो औकात हैं और किराया नामा है वो यहाँ पर लिखा हुआ है। तो ये टिकट घर, यहाँ से अभी भी टिकट्स जो हैं वो मिलती हैं पाकिस्तान के शहरों के लिए। तो ये इस तरफ इसका जो एक सेट है, यहाँ से मुसाफिर आते हैं और फिर बाहर ट्रेन से उतर कर यहाँ आगे चविंडा की तरफ जाते हैं। ये चविंडा है, ये आगे आबादी है चविंडा की। नाज़रीन, इस वक्त यहाँ पर एक ट्रेन का नाकारा डब्बा पड़ा हुआ है जो कि 1965 की जंग की जो है वो यहाँ पर कुछ
यादें और वो तलख यादें जो है वो बयान कर रहा है। यहाँ पर ये आप देख सकते हैं कि उस शैलिंग से, जब यहाँ पर इर्द गिर्द शैलिंग हुई होगी तो फिर ये लोहे का जो मजबूत डब्बा था उसके कैसे परखचे जो है वो उड़े। ये इस तरफ देखें, ये भी आप देख सकते हैं ये कितने बड़े बड़े सुराख हैं। ये वो ट्रेन का डब्बा जो रेलवे स्टेशन के ऊपर पड़ा हुआ है, ये डब्बे और ये लोहे की इतनी मोटी चादर जो कि उस वक्त की शेलिंग से जो है वो फटी और इनमें सुराख हो गए। इनसे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि किस कदर यहाँ पर जो है वो बमबारी हुई होगी और किस कदर जो है वो यहाँ पर दोनों अफवाज में जो है वो गुमसान की जंग हुई। अलबत्त उस जंग के नतीजे में भारतीय फ़ौज यहाँ से वापस चली गई। आज भी चिविंडा के मुकाम पर भारत के कई टैंक मौजूद हैं। तो आज की वीडियो में हमने आपको चिविंडा और चिविंडा रेलवे स्टेशन की सैर करवाई। इसी तरह की मज़ीद वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अब तक के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह।